हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रूबी बत्रा। आज फिर से हाजिर हो गई हूँ आपके सामने सभी की ऑल टाइम फेवरेट टोमेटो सूप की रेसिपी लेके। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप बनाएंगे, बिना कलर, बिना कॉर्न स्टार्च के, कुछ आसान टिप्स एंड ट्रिक्स से, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। तो देर ना करते हुए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। टमाटर सूप बनाने के लिए कुकर में एक बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। अब इसमें एक स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। हल्का ब्राउन हो जाने तक भून लेंगे। अब इसमें दो चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक ऐड करेंगे। थोड़ा सा भून लेने के बाद फिर इसमें हम मैंने यहाँ गोल कटी हुई गाजर ऐड की है, आप किसी भी तरह से काट कर ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे रफली चॉप की हुई एक चुकंदर। गाजर से इसमें थिकनेस आएगी और चुकंदर से कलर आएगा और ये सूप हेल्दी भी बनेगा। 2 मिनट भूनने के बाद रफली चॉप आधा किलो टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर डालने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, थोड़ा सा चला लेने के बाद अब इसमें एक चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी ऐड करेंगे। टमाटर के सॉफ्ट हो जाने तक हम भून लेंगे। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें पानी भी दिखने लगा है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर 2 विसल आने तक का वेट करेंगे। टू विसल आ चुके हैं, अब हम कुकर का प्रेशर निकालकर ढक्कन हटा देंगे। यहाँ ये परफेक्टली कुक हो चुका है, अब हम इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। ठंडा हो जाने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे हम छलनी की मदद से छान लेंगे और इस तरह से करछी की मदद से लगातार चलाते हुए छानेंगे। ये देखिए अच्छे से छन चुका है और बाकी का बचा हुआ सूप भी इसी तरह से ग्राइंड करके छान लेंगे। और ये भी छन चुका है, अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक था। अब ये बिल्कुल परफेक्ट कलर और परफेक्ट थिकनेस के साथ बना है, ये देखिए। अब कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच मक्खन ऐड करेंगे। और मक्खन के मेल्ट हो जाने पर 1 तेजपत्ता ऐड कर देंगे। थोड़ा सा भून लेने के बाद टमाटर सूप ऐड कर देंगे। ये बहुत ही हेल्दी सूप बनकर तैयार हुआ है, बिना कलर और बिना कॉर्न स्टार्च के, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे टेस्ट के साथ। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च ऐड कर देंगे। और आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये
यहाँ सूप बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे बाउल में निकाल कर सर्व करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर से हाजिर हो जाऊंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।